हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें डीआरडी पांडे को, साथ ही घंटा पे क्लिक करें और नए नए वीडियोज ऐसे ही बिल्कुल फ्री पाते रहें। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए लोगों को रहने की संभावना जो है काफ़ी कम हो रही है। आदमी रहे तो रहे कहाँ, कुछ लोग आज तो शहरों में फुटपाथ पे भी सोते हैं। इन लोगों को देखते हुए हमारे देश में एक ऐसा ट्रेंड विकसित हुआ है जिसको लेकर के काफ़ी क्रेज है, वो है रियल एस्टेट, जहाँ लोग काफ़ी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं बिल्डिंग्स की। यहाँ हर एक आदमी को एक रोजगार मिल रहा है। यह एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर का, या एक वर्ष सिविल सुपरवाइजर का। ये सुपरवाइजर है, रियल एस्टेट में सुपरवाइजर की नौकरी है। जैसे पाठ्यक्रमों में आपको रोज़गार मिल सकता है। ये ऐसा एजुकेशन है जो अभी सभी निजी संस्थान में उपलब्ध है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है। और इन लोगों को देखते हुए विश्वविद्यालय में अभी तक इसकी कोई प्रकार की एजुकेशन शिक्षा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे विकसित हो जाए। ये 10th और 12th के बाद आपको ट्रेंड 6 महीने के लिए किया जाता है। अगर आप सिविल में आना चाहते हैं तो इसके लिए एक इंजीनियरिंग से, जिसको सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है, आर्किटेक्चर से, जो बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहां पे आप आ सकते हैं। और ये रियल एस्टेट एक सिविल का पार्ट, सिविल इंजीनियरिंग का, जहां आदमी सुपरवाइजर की नौकरी कर सकता है, मैनेजर से काम करता है, अलग अलग ऐसे फील्ड्स हैं, मेसन्स, वुड कारपेंटर्स, फिटर्स, और भी ऐसे फील्ड्स हैं जहां आदमी काम करता है।